अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्यार में तो हम हार ही रहे हैं गंगा मैया, पर हम उस शख्स से नहीं हारेंगे जो राणा की जान लेना चाहता है। 829 से किसका नंबर खत्म होता है ये तो हम पता लगा कर रहेंगे गंगा मैया। हर हर गंगे। ये वही फोन नंबर वाला सिम कार्ड है जिसके पीछे मीठी पड़ी हुई है, और इस राणा के किल्लो मामा ने भी यही नंबर बताया था ना मीठी को। अब ना रहेगा ये सिम कार्ड और ना रहेगा मीठी के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत। मेनका, वो राणा मेरे पुराने दोस्तों के पास मेरा यही वाला नंबर था, पर मेरे पापा से बचाने के लिए मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करके आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। अब तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी मीठी और ना ही राणा। प्रिंसी, नहीं मामा, मुझे दूध नहीं पीना। I don't like milk. प्रिंसी, आप ठीक तो हो ना बेटा? देख के चलना चाहिए, चोट लग जाती तो। पर चोट लगी तो नहीं ना। आप चाहिए, हम ये सब कुछ साफ कर लेंगे। और नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। आप बस इसे अंदर लेकर जाइए और इसका ध्यान रखिएगा। चलो। खैर, मैं अपने पुराने दोस्तों को क्यों कोस रही हूँ, जबकि सबसे ज्यादा दुख मुझे मेरे अपने पापा ने ही दिया है। मुसीबत है तू, मुसीबत। ये क्या व्यवस्था है गुरु, हम खजूर के बारे में इतना काहे सोच रहे हैं। राणा, क्या सोच रहे हैं आप? मैंने सोच लिया मिनका, हम इस शादी की तारीख को टाल रहे। शादी करते वक्त मन में खुशी होनी चाहिए ना, हमारे मन में सिर्फ सवाल ही सवाल है। हमें थोड़ा समय दो। फिर तो मुश्किलों को भी दो प्यार करने वालों के बीच आने का समय मिल जाएगा राणा। खैर, कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी जिंदगी ले लीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। राणा, इसके मन में मीठी बस तो नहीं गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेनका।
तुम्हारा जूता बाहर क्यों फेंका? तुम्हें नहीं फेंक सकते ना, बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, इसीलिए दिमाग खराब कर रखा है। कुछ दिन इस खराब दिमाग के साथ ही काम चला लीजिए। जिद्दी जिद्दी हो तुम, बस आप इसे सीख रहे हैं। काम करो हैं? काम। आपके दुश्मन को पकड़ने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कोई काम नहीं है राणा, और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता आप हम पे तानों के अंगारे बरसाते रहिए, हम चल चल के भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। संजय जी, ये आपके लिए। मीठी, एक मिनट यही रुकना। ये तेरे लिए, एक बार खोल के देख कैसा लगा। सुमन ने तो देखते ही कह दिया था ये लहंगे पर मीठी का नाम लिखा है। जरा चुन्नी ओढ़ के तो दिखाओ बिटिया। राणा ये क्या बदतमीजी है। फिजूल के खर्चे काय कर रहे हैं अम्मा, ये वही पहनेगी जो बाकी नौकर पहन रहे। इसे इतने महंगे लहंगे की क्या जरूरत। राणा तू। माँ, राणा हमारी तारीफ कर रहे हैं और आप है कि उन्हें डांट लगा रही हैं। एक सेकेंड, हाँ अभी आए। इन्होंने कहा है कि हमें लहंगे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें तो हम ये स्टाफ के लिए लाई हुई साड़ी में भी बहुत अच्छे लगेंगे। एक मिनट, हमने ये सब कब कहा? हमने आपको उस दिन वो झुमके बताए थे ना, हम वो झुमके पहनेंगे और कांच की चूड़ियां और श्रृंगार पूरा करने के लिए सिंदूर तो है ही। आप क्या कहते हो राणा? चुन्नी चोर के टाइटल से इतने बोर हो गए हैं कि अब ये साड़ी भी हमसे छीन ली। ये आदतें बदल दीजिए राणा, अब आप किसी और से शादी करने वाले हैं। जब ये कहते कहते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, फिर ऐसे काहे दिखा रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर अपना दर्द बता भी दे तो आपको फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप में ना तो सच कहने की हिम्मत है और ना ही सुनने की। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो फिर ये सवाल पूछा ही क्यों राणा। सर जी, सर,
हमारे कपड़े हमारे कमरे में भिजवा देना। आप अपने सच से भागते रहिए राणा, हम अपने सच को और आपके प्यार को हमेशा दिल से लगा के रखेंगे। सिंदूर की कीमत 2, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।